नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिनास्टेराइड टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फिनास्टेराइड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फिनास्टेराइड टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फिनास्टेराइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि फिनास्टेराइड टैबलेट का असर दिखने में कितना समय लग सकता है। फिनास्टेराइड एक सॉल्ट नेम है। फिनास्टेराइड टैबलेट को फिनपेसिया और फाइनेक्स आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। फिनास्टेराइड टैबलेट 1 mg और 5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। फिनास्टेराइड टैबलेट का उपयोग पुरुषों में मेल पैटर्न हेयर लॉस को रोकने के लिए और प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है। फिनास्टेराइड 1 mg टैबलेट का उपयोग पुरुषों में बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। फिनास्टेराइड 1 mg टैबलेट पुरुषों में बालों को फिर से उगने में मदद करती है और बालों को झड़ने से रोकती है, और फिनास्टेराइड 5 mg टैबलेट का उपयोग पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH भी कहते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब को थोड़ी देर भी न रोक पाना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब की थैली को पूरी तरह से खाली न कर पाना, पेशाब की धार का कम होना, पेशाब करने में परेशानी या दर्द होना, पेशाब में खून आना, रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब टपकना आदि लक्षण पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा बढ़ने की वजह से पेशाब का आना पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज अधिक होना एक सामान्य बात है, और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने का जोखिम अधिक होता है। फिनास्टेराइड टैबलेट शरीर में एक हार्मोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को DHT भी कहते हैं। पुरुषों में DHT हार्मोन का अधिक लेवल होने की वजह से पुरुषों में हेयर लॉस हो सकता है और प्रोस्टेट का साइज ज्यादा हो सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फिनास्टेराइड टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फिनास्टेराइड टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिनास्टेराइड टैबलेट की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी पुरुषों का सेक्स के लिए तैयार न हो पाना। इसके अलावा सेक्स करने की इच्छा कम हो सकती है और सेक्स के दौरान सीमन निकलने की मात्रा भी कम हो सकती है। फिनास्टेराइड टैबलेट की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है और आप अपने आप को उदास महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा फिनास्टेराइड टैबलेट की वजह से पुरुषों में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को फिनास्टेराइड टैबलेट को लेते समय ब्रेस्ट में सूजन, दर्द या निप्पल से डिस्चार्ज होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर से सलाह लेकर फिनास्टेराइड टैबलेट को तुरंत ही लेना बंद कर देना चाहिए। फिनास्टेराइड टैबलेट की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ज्यादातर व्यक्तियों में अस्थायी होते हैं और दवा बंद होने के बाद अपने आप धीरे धीरे चले जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ये साइड इफेक्ट्स दवा बंद होने के बाद भी लंबे समय तक रह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फिनास्टेराइड टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। फिनास्टेराइड टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। हेयर लॉस के इलाज के लिए डॉक्टर 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को फिनास्टेराइड 1 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं, और पुरुषों में प्रोस्टेट के साइज को कम करने के लिए डॉक्टर फिनास्टेराइड 5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। फिनास्टेराइड टैबलेट को हर रोज सेम टाइम पर लेना रिकमेंडेड होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फिनास्टेराइड टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए फिनास्टेराइड टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। फिनास्टेराइड टैबलेट पुरुषों की फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती है। अगर आप पिता बनने के लिए विचार कर रहे हैं तो आपको फिनास्टेराइड टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार बंद कर देना चाहिए।
फिनास्टेराइड टैबलेट केवल पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए फिनास्टेराइड टैबलेट का उपयोग करना सुरक्षित व रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए महिलाओं को फिनास्टेराइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। जो पुरुष फिनास्टेराइड टैबलेट को ले रहे हैं, उन्हें सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फिनास्टेराइड टैबलेट सीमन के जरिए महिला तक पहुंच सकती है और आपकी पार्टनर को नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम जानेंगे कि फिनास्टेराइड टैबलेट का असर दिखने में कितना समय लग सकता है। अगर आप हेयर लॉस के लिए फिनास्टेराइड टैबलेट को ले रहे हैं, तो आपको इसका असर दिखने में कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है। और अगर आप प्रोस्टेट के साइज को कम करने के लिए फिनास्टेराइड टैबलेट को ले रहे हैं, तो इसका असर दिखने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका फिनास्टेराइड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।